आजकल का जो लेटेस्ट मॉडल है ये है 590 RGB DDR5 256 बिट के अंदर डबल फैन के अंदर ये वाला कार्ड है। अच्छा, ये देखने में भी बड़ा यूनिक सा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये देख रहे हैं गाइस। अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद कामरान। यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल और इन टेक्नोलॉजी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं जिशान भाई के पास और इनसे गेमिंग कार्ड्स की डिटेल लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम जिशान भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? हाँ जी, ठीक ठाक, खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र। तो आज आप देख रहे हैं कि आपके सामने गेमिंग कार्ड्स पड़े हैं और इनकी एक एक करके हम इनसे डिटेल लेते हैं। शान भाई, बताइए कि इनकी स्पेसिफिकेशन और इनकी डिटेल दें हमें, क्या जी क्या फंक्शन है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, छोटे कार्ड से शुरू करते हैं। 1GB कार्ड है, 8490 मॉडल है, 1GB है, 64 बिट के अंदर है। तो डिटेल के लिहाज से है मॉडल छोटा, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। 8490 मॉडल है ये, आपको मिलेगा 2000 रुपये में, अच्छा कार्ड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आस्ता आस्ता हम आगे जाते हैं, 2GB के बाद जाते हैं, हमारे पास आगे आ जाता है 2GB 430 620 के अंदर भी कार्ड है, R7 250 भी कार्ड है, 2GB 128 बिट में ये मिलेगा, 75 में आपको अच्छा कार्ड मिल देगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, 2GB 64 बिट के अंदर हम आगे ये चलते हैं, 2GB 64 बिट के अंदर कार्ड है, ये आपको मिलेगा 6000 रुपये मिलेगा। इसके ऊपर GTA 5, कॉल ऑफ ड्यूटी, टेकन वगैरह वगैरह काफ़ी गेम में आपके चल देंगे। अच्छा शान भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये ज़रा बताइएगा कि ये जो विजय कार्ड या गेमिंग कार्ड जो हैं, ये सिर्फ गेमिंग में यूज़ होते हैं या अदरवाइज प्रोग्रामिंग या एडिटिंग वगैरह में भी यूज़ होते हैं? जी जी, ये गेमिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, रेंडरिंग वगैरह के लिए बड़े सॉफ्टवेयर चलाने पड़ते हैं मिक्सिंग वाले, उनके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। बाकी ये मूवी मिक्सिंग वगैरह के काफ़ी मतलब पढ़ाई के मतलब भी काफ़ी काम आ जाते हैं। जैसे ये पड़ा हुआ है, मॉडल बड़ा है, 4GB है, DDR5 के अंदर है, 256 बिट के अंदर है, 580 मॉडल है, ठीक है। पड़ा हुआ है 570 कार्ड पड़ा है, 4GB DDR5 256 बिट के अंदर, ये पड़ा है 760, 2GB DDR5 256 बिट में। आजकल का जो लेटेस्ट मॉडल है ये है 590 RGB DDR5 256 बिट के अंदर डबल फैन के अंदर ये वाला कार्ड है। अच्छा, ये देखने में भी बड़ा यूनिक सा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये देख रहे हैं गाइस, 4GB DDR5 8GB DDR5 256 बिट के अंदर कार्ड है। बाकी नीचे पड़े हैं, 2GB कार्ड पड़ा हुआ है, 128 बिट के अंदर भी पड़ा, 2GB 64 बिट के अंदर भी पड़ा हुआ है, और DDR5 के अंदर भी कार्ड पड़ा है। जिस हिसाब से आपको कार्ड चाहिए, गेमिंग कार्ड, मिक्सिंग के लिए, रेंडरिंग के लिए, जो आपका हैवी काम, यानी कि आजकल के जो डाब डेटर वगैरह बड़े सॉफ्टवेयर चलाते हैं, उनके लिए कार्ड ये इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जिशान भाई, ये बताइएगा इनकी क्या आप प्राइस बता सकते हैं, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको प्राइस मालूम हो जाए। ये पहले बताता हूँ, मेरे पास कार्ड शुरू हैं 1GB 2GB 4GB 8GB सारे कार्ड पड़े हुए हैं, ये तकरीबन समझ लें। अभी जैसे 2GB कार्ड है, ये आपको मिलेगा 6000 रुपये में भी है, 7500 में भी है। 1GB जो कार्ड स्टार्ट है वो 2000 से स्टार्ट हो रहा है। आजकल 4GB कार्ड चल रहा है, R7 450 ये पड़ा हुआ है, कार्ड छोटा है, प्रोफाइल भी, यानी कि आजकल जो 4GB का मैक्सिमम कार्ड का जो रेट चल रहा है 15-16000 रुपये रेट चल रहा है, लेकिन ये आपको मिलेगा 13000 रुपये मिलेगा, 4GB DDR5 128 बिट के अंदर ये कार्ड है। ये देखें, 4GB DDR5 128 बिट में अच्छा कार्ड है ये वाला, ठीक हो गया। बाकी आपने इनसे डिटेल ले ली है सारी। अच्छा तो शान भाई, ये बताइएगा, ये आप जो गेमिंग कार्ड्स हैं, ये आप सिर्फ अपनी शॉप पर सेल कर रहे हैं या ऑनलाइन भी इस तरह का कोई सीन है, TCS या आप पूरे? जी जी, ये अल्लाह का शुक्र है, मैं तो मियां वाली जोराबाद, यानी कि TCS वगैरह, कार्गो वगैरह, हर चीज़ चलती रहती है, जहाँ जिस हिसाब से कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी कर, मतलब कि आप ऑल पाकिस्तान में अभी ऑनलाइन कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा, ये बताइएगा कि अगर कस्टमर के पास एक चीज़ जाती है और वो डैमेज निकलती है, इसका क्या प्रोसीजर होगा? पहली बात तो ये है कि हम जब कस्टमर को चीज़ दिखाएंगे, एक एक चीज़ डिस्प्ले भी करा के देंगे, बाकायदा उसको पढ़ा के देंगे कि मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये चीज़ दे रहे हैं, इंशाल्लाह 99% हमारी कोशिश होती है जो चीज़ दिखाएंगे वो बिल्कुल पैकिंग का दारोमदार है, पैकिंग हम अपने अच्छे रखेंगे, डैमेज उमेज का कोई ख़तरा नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा। क्योंकि मैंने भी इतने अल्लाह का शुक्र है, कार्ड हमारे आते हैं, वेयरहाउस आते हैं, चेकिंग करके आते हैं, पैकिंग अच्छी होती है, टेंशन नहीं होती इसमें, ठीक हो गया बस। अच्छा तो गाइज, आपने आज ले ली डिटेल सारी विजय कार्ड गेमिंग कार्ड्स की। बाकी अगर आपने इनसे मंगवाना हो या ऑर्डर करना हो, तो इनका व्हाट्सएप नंबर और दूसरा कॉलिंग नंबर नीचे आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन किसी भी पूरे पाकिस्तान में आप मंगवा सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।